लड़की को आओ छेड़ोगे तुम? नहीं सर, पिस्तौल लियो भोसरी के। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो मैं राहुल कुमार। तो भाई हम आए थे पार्क घूमने के लिए। भाई इधर उधर देख रहे, सब रील्स वील्स बना रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा रील्स वील्स वीडियो बन रहा है। मगर एक लड़की उधर किताब उताब पढ़ रही है, मगर रो भी रही है, किताब भी पढ़ रही है, रो भी रही है। देखते भाई उसका क्या प्रॉब्लम है, जरा उनके पास जाते हैं, क्या दिक्कत है क्या, जरा पूछते हैं। हेलो एक्सक्यूज मैम, आप किताब भी पढ़ रही है, रो भी रही है, मतलब क्या क्या हुआ आपके पास? नहीं, वो मेरा यूपीएससी क्लियर हो चुका है। यूपीएससी के एग्ज़ाम आप निकाल लिए? हाँ निकाल लिए। तो एक लड़का है जो मेरे साथ पढ़ाई करता था। वो तो तुम्हारे साथ पढ़ाई करता था? तो इसका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर मैं तो कर ली, और वो मुझसे आगे था थोड़ा, तो वो अब मुझे धमकी दे रहा है कि तुमने कैसे कर लिया ये वो। और मतलब वो धमकी दे रहा है, मतलब वो खुद एग्ज़ाम नहीं पास किया तो वो धमकी दे रहा है आपको कि तुमने कैसे कर लिया ये वो। फिर वो बोल रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा ये। आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है वो? पता नहीं, मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत है उसको, मतलब दुश्मनी है। मतलब उसका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है? नहीं, अब मैं क्या करूँ मुझे पता है। तो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम कब क्लियर हुआ था आपका? अभी कुछ समय पहले। कुछ समय पहले ही, जो इधर हाल ही में रिजल्ट आया था उधर। हाँ। तो जान से मारने की धमकी दे रहा है वो? तो जैसे कि, तो परेशान भी करता है क्या आपको? हाँ, परेशान करता है, कॉल करके बहुत परेशान करता है। वो कॉल करके बहुत परेशान करता नहीं? तो वो लड़का बहुत ज़्यादा क्या परेशान करता है आपको? हाँ, जैसे मैं जाती रहती हूँ कहीं बाहर से घर या कहीं भी, तो वो आके बाइक से आता है, फिर मुझे छेड़ता है, फिर अच्छा बिहेव नहीं करता है मेरे साथ, फिर ऐसे ही। और मैं थाना में सोचती हूँ कंप्लेन करूँ, बट कर नहीं पाती। मैं थाना में कंप्लेन करने से उसका भी कैरियर ख़राब हो जाएगा ना? इसीलिए आप थाना में कंप्लेन नहीं करें। मतलब वो पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में वो कैसा में तो वो अच्छा था, पता नहीं, फिर बीच में उसका पढ़ाई थोड़ा लो लेवल पे चला गया था, और पता नहीं उसके बाद फिर ध्यान नहीं दे रहा था, और अभी मैं क्लियर कर ली हूँ तो मुझे धमकी दे रहा है कि मैं मार दूंगा ये। तो वो लड़का साथ में पढ़ता था क्या आपको? हाँ, वो मेरे साथ में ही पढ़ता था, बट वो लड़की को घुमाता था, इधर उधर कोचिंग नहीं आता था, और मतलब पढ़ाई नहीं करता था फिर अच्छे से। पहले तो पढ़ाई में बहुत तेज था, फिर पढ़ाई नहीं करता था, तो इसलिए उसका फिर जो पढ़ाई नहीं कर रहा था, और उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया, और मेरा हो गया, तो इसलिए उसके फैमिली में बहुत सारा सब डांटे उसे कि तुम वो कर ली तुम नहीं कर पाए, और बहुत सारी बात हुई ऐसे, तो इसलिए फिर वो मुझे ऐसे धमकी दे रहे थे। वो धमकी दे रहा है कि नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे ऐसे डांट। अम्मा तुम घर में भी बोल नहीं सकती हो कि क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड ना है, बोलोगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा घर में भी। ये ऐसा क्या था जो तुमको इतना ऊपर रहा? हाँ, ये बात समझ रहे हैं। तो वो लड़का का नंबर है क्या आपके पास? हाँ, उसका नंबर है। तो आप कॉल लगाइए तो उसको। लड़का का नाम क्या है? साहिल नाम है। तो आप नंबर बता दीजिए तो लिए डायल कर दीजिए, आप ही डायल कर दीजिए। देखिए उसको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि थाना से कॉल कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अगर हम कॉल करेंगे तो वो लड़ाई झगड़ा पे तुल जाएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि थाना से कॉल किए हैं, देखिए अगर सही है, अगर बात मान जाता तो सही है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। आप बोलिए ना। हेलो हेलो साहिल। हाँ बोलो, कहाँ हो? मैं तो अभी इधर हूँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कहाँ हो? अभी तक नहीं आई तुम, डेली आते थे ना, आज क्या हुआ? आज मैं बिजी हूँ। बिजी हो? क्या कर रही हो बिजी हो? बस ऐसे ही कुछ काम आ गया था। काम आ गया कि बहाना बना रही हो? कहाँ हो तुम अभी? सुनो ना, तुम अभी जाओ ना, वहाँ पे आ रहे थे ना, आज तो तुम ज़्यादा फुटफुट करने लगी हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुम सुने आजकल लड़के लोग भी साथ घूमती हो, तुम रहती ना हो इतना बिजी भी आजकल रहती हो। मैं कहीं भी रहती हूँ उसे तुमसे क्या? सुनो ना, ज़्यादा फुटफुट कर रही हो ठीक ना, बताते तुमको आ रहे तो जाओ ना अभी, वहीं आ रहे, नहीं ना पहचानी हमको अभी, नहीं ना पहचानती हो। ए भाई रे, हेलो हेलो कहाँ से हो तुम जी? हम यही था, तुम कौन हो?
तुम कौन हो? पहले बात करने तमीज पहले सीख लो। पहले थाना में आई हुई है लड़की। क्या? थाना में आई हुई है। तुम क्या किए इसके साथ? ये आई है कंप्लेन करने के लिए। हम का कुछ किए बेटा? पड़ेगा ना तुमको तो सब पता चल जाएगा। अभी कहाँ हो तुम? कुछ नहीं सर, सर गलती हो गया, प्लीज सर अब नहीं करेंगे ऐसा। सर लड़की को और छेड़ोगे तुम? नहीं सर अब नहीं छेड़ेंगे उसको, सॉरी भी। अब पिस्तौल लियो भोसरी के। नहीं कुछ नहीं किया सर। तुमको तो घर में घुस के मारेंगे। अरे सॉरी, कहाँ रहते हो तुम जी? ठीक है बेटा, आइंदा परेशान मत करना। मैटर क्या है? क्या क्या बात के लिए तुम किए हो इसके परेशान? तुम कर रहे हो बार बार? कुछ नहीं सर, वो छोड़िए, गलती हो गया, छोड़िए सर, अब नहीं करेंगे। ठीक है, आइंदा ध्यान देना। अगर लड़की आई ना कंप्लेन करने के लिए, तुम अपना देख लेना, ठीक है? घर से उठा लेंगे। सॉरी सर, नहीं करेंगे सर। ठीक है, लो पहले माफी मांगो पहले लड़की से। सॉरी यार, अब नहीं करेंगे। ओके ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। ठीक है, रखो कॉल अभी, कॉल रखो अभी। देखिए आपको वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई वीडियो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फैमिली में जाएगा वीडियो तो इशू कोई नहीं होगा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप यूट्यूब पे वीडियो शूट करते? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो ही शूट करते हैं, हेल्प करते रहते हैं लोगों का। अच्छा, प्रैंक वीडियो? हाँ प्रैंक वीडियो। तो गाइस, ये यूपीएससी की स्टूडेंट है जो इनका एग्जाम क्लियर हो गया भाई, मगर एक लड़का परेशान करता था। मैं कोई बात नहीं, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कि आपने यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्लियर किया था, मतलब कितना पढ़ा किया था? बस ये तो नहीं है कि पूरा दिन बैठ कर पढ़ना ही है, उसमें है जो शुरू से ध्यान देना चाहिए तो यूपीएससी अच्छे से क्लियर हो सकता है। और जैसे होता है कि पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान देना, इधर उधर नहीं, सिर्फ पढ़ाई में कंसंट्रेट करना अच्छी तरह से, तो ऐसे यूपीएससी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू इसके लिए, थैंक यू आपको हमारी हेल्प करने के लिए। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि कोई लड़का या लड़की, अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, कोई भी बंदा कॉल करके, मैसेज करके, कुछ पे भी, इंस्टाग्राम का भी लिंक दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपके लिए 24 घंटा हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो एक बार हाई कर दीजिए।